मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहम्मद महबूब नाम के एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मोहम्मद महबूब ने अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर गिरी युवती की जान बचाई है। उनकी इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उनके साहस के लिए कई जगहों पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भोपाल के मोहम्मद महबूब पेशे से कारपेंटर, लेकिन उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है वो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। हमारे साथ इस वक्त महबूब भाई हैं भी। मैंने सुना उस दिन आप जब इशा की नमाज पढ़ करके आ रहे थे तो बरखेड़ी फाटक के पास में एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद अगर उस मोबाइल में कैद नहीं होता तो दुनिया को पता नहीं लगता कि आप कितने बहादुर हैं। पूरे वाक्य के बारे में अगर आप बता पाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये जो हादसा हुआ, ये जो हादसा के पीछे सिर्फ अल्लाह की मदद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन ने हमको वो इस्तेदाद दी, हिम्मत हौसला दिया, क्योंकि काफ़ी तादाद से लोग उधर खड़े हुए थे यहाँ पर जो लड़की थी, लेकिन वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आने जाएं। लेकिन जब हमने देखा कि वो लड़की मुसीबत में है और वो निकलना चाहती हैं तो उनकी मदद की जाए, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके बस फ़ौरन ट्रेन के अंदर घुसा। आकर मुखलिस ज़िंदगी गुजारें, रियाकार ज़िंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुजदिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रजा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा।